अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे सभी लोग। तो फिलहाल तो भाई अभी हम लोग गए थे भाई सौदा लेने के लिए, भाई ये बिल्ली के लिए भाई मछलियाँ भी लेके आ गए। तकरीबन इसकी 2 हफ्ते का भाई लेके आ गए सामान बिल्ली के लिए, और बाकी तोतों के लिए और तीतरों के लिए भी भाई इनके लिए बाजरा लेके आ गए, इनका फूड लेके आए, क्योंकि भाई बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही और रुक रही नहीं भाई। तकरीबन हो ही रही तकरीबन एक हफ्ते से चल ही रही भाई मुसलसल। और अभी फिलहाल भाई कराची का मौसम भी ठंडा हो चुका, वरना तो इतनी गर्मी थी ना भाई बहुत ज़्यादा। तो अभी थोड़ा सुकून हो गया भाई, कराची का मौसम थोड़ा सही हो गया। तो अभी दिखा दो तुम लोग, ऊपर इतने काले बादल आ चुके हैं भाई बहुत ज़्यादा, ज़रा दिखा दूँ फिर काले बादल आ गए। वो देखो, ये देख लो अंधेरी होती जा रही है, ऊपर से तुम लोगों को दिखाता हूँ ज़रा। ये रहा भाई हमारा पोर्ट कराची, और वहाँ पे देखो फुल भाई काले बादल आ चुके, और मतलब कि समझो कि तकरीबन एक हफ्ते से धूप आ ही नहीं रही है। वो धूप है तो धूप के अंदर जान ही नहीं है, मतलब ऐसी है, ठंडी धूप नहीं होती, ऐसी है बस रोशनी है, बाकी कोई जैसे होती थी ना धूप कड़क वाली, ऐसी है ही नहीं। और बारिश चल रही है बहुत ज़्यादा है। और इनके लिए मैंने बाजरा भी रखा था, वो देखो पूरा बाजरा अंदर ही चला गया, और पानी भी उल्टा दूसरा पानी आ गया, पानी गंदा हो गया, जो मैंने पानी डाला था वो इसमें मिक्स हो गया, ऊपर से बच्चों ने आकर गंद भी कर दिया था बहुत ज़्यादा। और ये आ गया भाई, और ये तो भाई कल इसको भी बुखार डोर है, क्योंकि इससे जो नहाया ना कल इधर खड़ा होता था ना, ये मानता नहीं था किसी की और सुनता भी नहीं किसी की, अभी भी आ गया। अभी फिलहाल हल्की हल्की भाई धूप आ गई, रोशनी आ रही है, धूप ऐसी वाली धूप नहीं जैसी होती है कड़क वाली। क्या चॉकलेट भागना नहीं वरना हलक में फंस जाएंगी। बस भाई अभी चलते तीतरों को भाई तोतों को खाना दे देते, क्योंकि उनको अभी तक मैंने खाना दिया ही नहीं है, क्योंकि सुबह को मैं चला गया था नाश्ता करने के बाद लेने के लिए ये बिल्ली का सामान, मतलब बिल्ली के खाने के लिए, क्योंकि मछलियाँ ख़त्म हो गई थी और हम लोग जो चिकन बॉयल करते थे वो भी ख़त्म हो गए थे, तो वही लेने के लिए अभी हम लोग गए थे मार्केट। कल तो हम लोग अपने घर में गए थे, अपने जो नया वाला घर है वहाँ पे सफाई के लिए गए थे, वो आहिस्ता आहिस्ता तो मैं तुम लोगों को कहा था कि भाई हम लोग आहिस्ता आहिस्ता सामान सेट कर रहे रखते जा रहे, जो हाथ का सामान है ना, मतलब कपड़े बर्तन ये चीज़ें होगी तो वो हम लोग रखते जा रहे, और बाकी जो बड़ा सामान है जैसे कि अलमारी बेड जैसे कि और भी सामान जो हम लोग को लेके जाने तो वो हम लोग सीधा गाड़ी वाले को बोलेंगे वो लेके आएगा। तो फिलहाल जो छोटे छोटे सामान है वो तो हम खुद लेके जा रहे कि भाई जल्दी जल्दी काम हो, क्योंकि जब भी हम लोग सोचते जाने के लिए भाई कुछ ना कुछ हो जाता, जैसे कि इस महीना फुल कन्फर्म हो गया था भाई निकलेंगे, क्योंकि हम लोग को पता था भाई सितंबर में हमारे बोर्ड के पेपर थे, अभी फिलहाल सितंबर में शायद हमारे बोर्ड के पेपर कैंसिल हो जाए, अल्लाह करे हो जाए भाई, क्योंकि अभी फिलहाल बारिशों का जो सीज़न चल रहा है वो इंडिया ने भी भाई पाकिस्तान की तरफ पानी जो छोड़ दिया है, जो हर बार इंडिया यही करता है, जब भी ये बारिश का अगस्त का महीना शुरू होता है इंडिया वाले पानी छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान में आधे ज़्यादा सैलाब आ जाते हैं, और हम पाकिस्तानियों को भाई मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे मुल्क में थोड़ी सड़कें भी सही नहीं बनी हुई, रोड भी सही नहीं बनने नहीं है, वो पूरा पाकिस्तान समझो कि आधे ज़्यादा ना तकरीबन 50% पाकिस्तान डूब जाता है, ये जो ज़मीनें आ जाती है बेचारे कितने लोग मर जाते, तो इंडिया की तरफ से आता है, इंडिया हर साल में एक दफ़ा इंडिया ये करता है, ये जो इंडिया की आदत है वो भी चला गया, इंडिया तब करता है जब देखते हैं ना बारिश का मौसम है तब करता है इंडिया के, पता नहीं चले, अगर पाकिस्तान को पता चल जाता है भाई पाकिस्तान भी पक्का खिलाड़ी है, तो बस छोड़ो यार अभी क्या करना, उनकी तो आदत है, हम तो भाई मस्त पाकिस्तानी जिएंगे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। धूप आ चुकी है भाई, तो बस अभी चलते, क्योंकि बादल तो वो देख रहे हो वो भी आ ही रहे, और तो इधर तो फिलहाल बादल चले गए आगे, ये क्लिफ्टन का तुम लोग व्यू देख रहे हो, ये क्लिफ्टन जहाँ समंदर है कराची का सबसे बड़ा, तो बस अभी चलते हम लोग उधर, क्या कि ना मतलब अभी नीचे चलते उनको खाना दे देता हूँ परिंदों को, उनको अभी तक खाना नहीं दिया, आराम से चलना गिरेगा। वही नीचे हमारी गली देखो भाई, पूरी गिल्ली गिल्ली हो चुकी है बहुत ज़्यादा, तो ऐसी बात है बिल्लियाँ खाती इधर ही पोटी कर लेती है, गंदगी बहुत करती है, उनको दे देता हूँ पहले तीतरों को। ये खोलता नहीं पहले आ जाते, आदि ये इनके लिए थोड़ा सा पानी भर के लेके आ जाओ, थोड़ा मतलब सही अच्छा सा लेके आना सही, मतलब ज़्यादा तो ऐसा काम कभी करता नहीं है, पहली बार काम कर रहा है, खुद यकीन नहीं हो रहा मुझे, मैं जब भी काम का बोलते हैं ना भाई भाग जाता है।
तो इनको भी भाई लिमिट में खाना देना पड़ता है, अगर ज़्यादा देंगे ना भाई तुम लोगों को पता है मर जाएंगे। तो ये तीतरों को हमें पानी देते ना तो ये तकरीबन समझो कि अरे 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 घिरेगा घिरेगा घिरेगा, एक सबर बच गया। ये तकरीबन पूरी रात तक इनका पानी चलता है, माशाल्लाह पानी पी लेते भाई ये, पहले बचाते थे अब पी लेते। तो इनके लिए भी वही साफ पानी लेके आना पड़ेगा, गंदा पानी ऊपर फेंक देता हूँ। ये जो इनका पानी भर के ले गया, जो थोड़ा सा है इसमें ज़्यादा नहीं देना, ये लाइन देख रहे, ये जो ये लाइन है ना यहाँ तक पानी होना चाहिए, जब जल्दी जाओ। तोतों का भी पानी आ गया तो इनको दे देता हूँ भाई, एक मिनट सफर सफर, वरना ये गिरने का डर होता है, वो बच गया भाई वरना गिरता है वापस। ही पड़े हुए कीड़े तीन रखे हुए, ये तो इनको भाई खाना पानी दे दिया तो बस अभी चलते। मच्छी लेके आ गए हो तो बिल्ली को इसके अंदर ही बंद करके दूंगा, एक पे सबर भाई। अरे 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 डर भी लग रहा है क्योंकि ये जब खाने का टाइम होता है ना भाई वो मारना कुटाई शुरू कर देती बिल्ली। तो इसका डब्बा ऊपर रखो, वो ये थी भाई इसकी मछली। इधर रख दी, इधर आ अंदर जाना, इधर 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 ये थी। ऐसे छलांग नहीं खाती, ऐसे खाने के टाइम इसको इतनी भूख लगती है कि छलांग खा लेती है। आज के इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय बाय, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना।